देखिए अब हम पहले नियम के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले नियम के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। नियम नंबर पहला, हमने पढ़ा कि जब भी हम किसी भी वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, कोई भी हमारा वाक्य उसे जब पहले एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, एक्टिव का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को पैसिव में बदलने का अपन सब्जेक्ट बना दें। नियम नंबर पहला है हमारा, जब भी एक वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा उस ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट बना देंगे। जैसे देखिए अगर हमारा जो एक्टिव है उस एक्टिव का ऑब्जेक्ट है ही, तो पैसिव में बदलने पर इसका हो जाएगा ही। अगर एक्टिव का ऑब्जेक्ट है हाँ, पैसिव में बदलने पर इसका हो जाएगा सी। अगर एक्टिव का ऑब्जेक्ट है मी, तो पैसिव में बदलने पर इसका हो जाएगा आई। एक्टिव का ऑब्जेक्ट है देन, पैसिव में बदलने पर इसका सब्जेक्ट बना देंगे अपन दे। एक्टिव का ऑब्जेक्ट है अस, पैसिव में बदलने पर इसका सब्जेक्ट बन जाएगा बी। एक्टिव का ऑब्जेक्ट अगर इट है, इट का इट रहता है। अगर एक्टिव का ऑब्जेक्ट है यू, तो यू का यू रहता है। और एक्टिव का ऑब्जेक्ट अगर इनके अलावा अन्य कोई नाउन होता है, जैसे बॉय, गर्ल, टीचर, स्टूडेंट, बहुत सारे नाउन होते हैं, अगर अन्य कोई नाउन है तो उसको अपन जो का तो सब्जेक्ट बना देते हैं। और अगर किसी का नाम होता है तो नाम पीछे सगे जैसा आ जाएगा इस तरह। तो सबसे पहला नियम होता है हमारा कि जब भी हम एक वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट पर सब्जेक्ट बना देंगे। जैसे ही में डी हो जाएगा, अरे सी हो जाएगा, मी है आई हो जाएगा, देन में दे हो जाएगा, अस है वी हो जाएगा, इट का इट रहेगा, यू का यू रहेगा, अन्य कोई नाउन है बॉय, गर्ल, टीचर, स्टूडेंट, ऐसे अन्य कोई नाउन आ रहा है तो नाउन का नाउन रहेगा, और यदि किसी का नाम आ रहा है तो नाम का नाम। ऐसे देखिए आप जैसे ये बात लिखा मैंने, ही टेल्स द स्टोरी, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। जब हम इसे पैसे बनेंगे तो सबसे पहला काम हमें ये करना है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट बना देंगे। अब इसमें देखिए ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में जो शब्द होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर तो ये आ रहा है मेन वर्ब के बाद में नहीं आ रहा है, ये एक आर्टिकल होता है। अगर कोई भी आर्टिकल आ रहा है या फिर कोई भी एडजेक्टिव आ रहा है तो वो हमेशा वाक्य में जो नाउन है उस नाउन के साथ ही सब्जेक्ट बनेगा। अगर मेन वर्ब के तुरंत बाद कोई आर्टिकल आता है, कोई एडजेक्टिव आता है या कोई डिटर्मिनर आता है, कोई भी डिटर्मिनर आता है जो वाक्य में नाउन है उस नाउन के साथ होता है उस पूरे के पूरे को सब्जेक्ट बनते हैं। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ का सब्जेक्ट बनेगा देखिए आगे। अब यहाँ पर ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस होता है, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस होता है उसे जब हम पैसिव में बदलेंगे, तो पैसिव में बदलने पर हमें वहां पर लगाना है इज आर एन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एस वर्ब फर्स्ट में ऐसे एस है, एस पूरी एक वचन है, यहाँ पर हम लगा देंगे इज। अब ये जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टोन, और ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को अपन बाय लगाकर ऑब्जेक्ट बना देंगे। मैंने बता दिया ये अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे आप, यदि जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब के बाद जो शब्द है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और अगर ऑब्जेक्ट के सामने कोई भी आर्टिकल आ रहा है, कोई भी एडजेक्टिव आ रहा है, कोई भी डिटर्मिनर आ रहा है, जो ये तीनों जो शब्द है हमेशा उस नाउन के साथ ही वाक्य में सब्जेक्ट बनाए जाते हैं। ये हमारा पहला नियम है। हमारा से रिपीट करता हूँ, रूल नंबर पहला होता है हमारा, जब भी हम एक वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट बना देते हैं। अगर एक्टिव के ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी आर्टिकल, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर, आर्टिकल, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर दिए जाते हैं तो उन पूरे के पूरे को हम नाउन के साथ मिलाकर सब्जेक्ट बना देते हैं।
अगर एक्टिव का ऑब्जेक्ट है ही बी हो जाएगा, हर सी हो जाएगा, मी आई हो जाएगा, दे में दे हो जाएगा, असे बी हो जाएगा, इट है इटी रहेगा, यू है यू रहेगा, अन्य कोई नाउन है वो नाउन ही रहेगा, और किसी का नाम आता है नाम ही रहता है। और ये विशेष नियम हो गया हमारा, इसको आप नोट कर लेंगे। यदि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उस ऑब्जेक्ट के साथ में कोई भी आर्टिकल आता है, कोई भी एडजेक्टिव आता है, कोई भी डिटर्मिनर आता है, तो उसको पूरे के पूरे को अपन सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, वो समझाता हूँ मैं। ये बात ध्यान दीजिए, देखो आप ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर मेन वर्ब है। देखिए मेन वर्ब की बात में ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है, और जो नाउन है हमारा वो ये नाउन है, और इस नाउन के साथ में आर्टिकल और एडजेक्टिव दोनों आ गए। अब जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट बनेगा, इस पूरे के पूरे को अपन सब्जेक्ट बना देंगे किस तरह से, जैसे मैंने बनाया यहाँ पर पूरे का पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा। दूसरी बात, जो बोर्ड परीक्षा में इतना हमको पहले से करा देता है, जब बोर्ड परीक्षा होगी हमारी तो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर पहले से ही देता है, लेकिन फिर भी हमें सीनियर को याद रखना है, चाहे पहले से देते लेकिन अपन को आना चाहिए कि सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पर कर दिया अपन, देखिए यहाँ पर ये वर्ब है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, जब भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है उसे जब पैसिव में बदला जाए तो पैसिव में बदलने पर वाच वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वाच वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक वचन है तो यहाँ पर वाच आ जाएगा, ये जो वर्ब है इसके पर थर्ड फॉर्म लगा देंगे, और ये जो सब्जेक्ट है इसको बाय लगाकर ऑब्जेक्ट बना देंगे। इस तरह ये हमारा पहला नियम होता है, जब भी हम एक वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव में बदलने पर हम सब्जेक्ट बना देते हैं। से चर्चा पर अगले वीडियो में।